ये लीजिए सर मेरा सीवी। हाँ तो मिस्टर प्रैश, वी डोंट हायर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सीवी। तो ये पहले बोलना चाहिए था ना सर, फोकट में 15 साल स्कूल कॉलेज में बर्बाद हो गए मेरे। ये एक पन्ने का सीवी बनाने के लिए न जाने लाखों करोड़ों पन्ने मुझे लिखने और पढ़ने पड़े। मालूम, बाप का पैसा गया वो अलग, ट्यूशन में बचपन गया वो अलग, हिलाने में जवानी गई वो अलग। अरे किधर जा रहा है, मेरा मतलब वो नहीं था, पढ़ाई तो जरूरी होती है। अच्छा ये बताइए, व्हाई शुड वी हायर यू? क्योंकि आपको एम्प्लॉय की जरूरत है। मेरा मतलब है, हम आपको ही जॉब क्यों दे? क्योंकि मुझे नौकरी की जरूरत है। अरे तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो दूसरों के नहीं है? मुझे क्या पता दूसरों के पास क्या नहीं है, मैं थोड़ी ना लोगों के बाथरूम में झांकता हूँ। और ये क्या फालतू सवाल है, किसने बिठाया इनको यहाँ पे? अरे तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। इसलिए तो आपको सीवी दिया था, आपने फाड़ के फेंक दिया। क्या पैदा होते ही सर पे गिर गया? सर सर मैं हैंडल करता हूँ। अच्छा तो ये बताओ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स? 5 साल बाद। यस एंड गिव एन ऑनेस्ट आंसर। अच्छा सर, पहले साल तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये कंपनी में होता क्या है, फिर दूसरे साल कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज को अपना दोस्त बना लूंगा, फिर तीसरे साल उनके साथ मिलके सेम कंपनी का आइडिया देके उन्हें इस कंपनी से लेकर जाऊंगा, चौथे साल हमारी कंपनी आपसे बड़ी हो जाएगी, और 5 साल में आपकी कंपनी खरीद के बेच दूंगा और उसका नामो निशान मिटा दूंगा। नाउ यू टेल मी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स? ये क्या बदतमीजी है? अबे बुढ़े साले, 15 साल पहले मेरे बाप का इंटरव्यू लिया था, तब से यही पे पिछवाड़ा टिका के बैठा है और वही समोसा चटनी दबा रहा है और वही घिसा पिटा सवाल पूछ रहा है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स? शर्म आती तेरे को? शर्म, गेट आउट। ये समोसा चटनी बंद कर दे, पात पात के पूरा माहौल सड़ा दिया है। सिक्योरिटी, चिल्ला मत, जा रहा हूँ पादुचंद। अरे सर क्या हो?